मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। नीलेश किसी और कविता को अपने दोस्तों के घर भेज देगा। ललित किसी जयती को तब तक मारेगा जब तक वो बोर ना हो जाए। और जतन वो किसी और वीरा से उसकी सिया को मारने की धमकी देगा। किसी को मरना पड़ेगा, हम या वो। फाइनली हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। टू फ्रीडम, टू लाइफ, टू चॉइसेस। नया रिलेशनशिप ना नए एक्सपीरियंसेस लेकर आएगा, पुराने घाव भर देगा। थप्पड़ मारने के बाद रिग्रेट करने से थप्पड़ का दर्द कम नहीं होता, और ये बात समझने में मुझे 10 साल लग गए। हेलो आंटी, तुम्हारे लिए सिर्फ कविता। आर यू श्योर? पता चल जाएगा वो औरत कौन है, ये पूरा खेल क्या है। हाय जेत जी, हाय वीरा जी, नमस्ते। क्या कर रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन। अब तो चोर सबूत सब ढूंढना पड़ेगा। इसी उम्र में आपके हस्बैंड का चले जाना, और अभी तो विडो बनने के लिए बहुत यंग हूँ ना। इतने दुख में थोड़ी सी खुशी ढूंढने का हक हमें भी है ना। अब तक उस ब्लास्ट की आवाज कानों में गूंज रही है। झूठ के साथ आप कुछ दूर तक जरूर भाग सकते हो, पर एंड में सच उसे पकड़ लेता है। इस डील के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके मैम। तो जिंदा है रिंकू जी, और जो भी है उसके मिलने से ही अब ये केस सॉल्व होगा।